The walks are done. We are back. Sanitization of myself, dogs, everything is done. और अब खाना मैं सबको दूंगी. मीन टाइम आप लोग ये देखिए क्या हो रहा है पीछे. हाय मम्मा, हाय चली पली. So this are the puppies and that is Jelly Belly. हमारी सोसाइटी की डॉग है. उसके बच्चों को हम लोगों ने हमारे फ्रंट यार्ड में ले लिया है. एंड टू बेबीज गॉट अडॉप्टेड. दे गॉट वंडरफुल फैमिली. फैमिलीज आर वेरी लविंग. ओनली दिस थ्री पपीज आर नाउ रिमेनिंग. होपफुली इन बच्चों के लिए भी मिल जाए अच्छा सा घर, अच्छा सा फैमिली जो रियली रिस्पॉन्सिबल हो और दिल से इन्हें अपनाना चाहे. नॉट दैट के कौन सी ब्रीड है क्या है, बिकॉज सोल इज सोल, सोल्स आर प्योर, राइट. चाहे कोई भी ब्रीड हो जाए, डॉग सोल इज ऑलवेज प्योर. और क्या चाहिए. ये बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं, क्या चाहिए आपको मम्मा? आपको भी मम्मा चाहिए? ओके वेरी गुड. अरे तू भी बोल ऐसा, उसको भी बोलने का जुजू. हाँ क्या, अच्छा क्या, ओके दे रही हूँ, रुक जाओ. मारा तूने मुझे. हाँ अभी मेरे जोर हो. हाँ अभी नाटक करोगे. और बाप रे चाहिए ना. चलो. सो हियर इज माय चिकमंक्स फूड रेडी. सो ये सोच के ये मत सोचना कि पार्शियलिटी किया, किसी को चिकन ऐसा दिया, किसी को ऐसा दिया. अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ एंड देयर एज और जो उनको सूट होता है उस तरह से मैंने फूड बाउल्स बनाए हैं. दिस इज मैगीज फूड बाउल. शी इज़ अ लैब्राडोर फीमेल, 11 साल की है. शी हैज़ अ स्पेशल कंडीशन नाउ ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार उसको हो जाता है. तो शी इज़ ऑन अ स्पेशल फूड जिसमें एक्चुअली टेक्निकली डॉक्टर ने ये बोला है कि और कुछ भी नहीं देना है उसको, सिर्फ ये किबल्स खाने हैं और कुछ भी नहीं. लेकिन वो खाती नहीं है क्योंकि इतने सालों की उसकी आदत है चिकन के साथ ही उसको चाहिए. तो मैं थोड़ा सा उसको इस तरह का चिकन देती हूँ जो ज़्यादा उसके अंदर कोई बोन एक भी ना है वैसे, क्योंकि बोन से उसको आज बहुत प्रॉब्लम होने लगी है. अभी बोन है, हार्ड कोई भी ट्रीट्स है उसके साथ, उसको तुरंत स्टूल में ब्लड आने लगता है. सो नाउ हर स्टमक इज़ वेरी सेंसिटिव. तो ये उसका बाउल है. ये है ज़ोरो का. ज़ोरो का ऐसा है कि वो अगर चिकन पोर्शन ज़्यादा खा लेता है तो उसको पेट अपसेट हो जाता है. बोन से उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मैं उसको बोन ट्रिकी बोन से और थोड़ा सा यू नो ये थोड़ा मैसी और सब में या चिकन सूप सब में डाला है तो थोड़ा सा वेट हो जाता है, तो उससे उन लोगों को मज़ा आता है. एंड दिस इज़ जूजूस. लकीली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ वो बहुत फसी डॉग है. वो ज़्यादा चिकन पोर्शन खाता है, किबल्स कम खाता है. तो ये इस हिसाब से बनाया गया है कि डॉग्स की हेल्थ भी अच्छी रहे और वो लोग खाना भी ठीक से खाए. ठीक है, यस. तो अब हम उन सबको खाना देते हैं. आप रेडी हो अपना खाना लेने के लिए? अच्छा आप तो सबसे अच्छे बच्चे हो. बैठो बैठो बैठो. अरे अच्छे बच्चे. खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो.
अभी जुजू का खाना। हाँ जुजू का खाना, जा खाओ, ईट ईट जुजू बॉय, नाटक नहीं चाहिए, खाना खाओ। गुड बॉय। और अब मेरा मैगी, माय स्वीटी पाई। अरे बाप रे मैगी, आज भी आप नाटक करोगे? आज भी मम्मा को खिलाना पड़ेगा, खुद से नहीं खाओगे? खुद से खाओ, देखो चिकन डाल के दिया है मैंने, इतना सारा ना बोल रहे डॉक्टर फिर भी डाल के दिया है। हाँ वेरी गुड गर्ल। तो मैडम के कुछ ज़्यादा ही नखरे हैं, शुरू करवा के दो मुझे खाना खिलाओ। कभी कभी ऐसा भी रहता है, एज आई टोल्ड यू के उसे ये किबल बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अभी कुछ कर नहीं सकते। अगर ये फूड डाइट बंद कर देती हूँ मैं, ये वाले जो डॉक्टर ने सजेस्ट करके दिया है, यूरिनरी सेंसिटिविटी का जो फूड है, तो उसके यूरिन में ब्लड शुरू हो जाता है। सो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ये देना ही पड़ेगा, ये ही एक फाइनल ऑप्शन है, और कुछ है नहीं। हम लोग इस कंडीशन में और कुछ नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसे नाटक करती है, स्पेशल अटेंशन मांगती है वो, क्योंकि एक ही तरह का खाना, और वो भी फिक्स अमाउंट ऑफ द चिकन, वो सब। तो हियर यू कैन सी, मैगी को मैंने खिला दिया है, जोरो ने खुद का खाना खा लिया है, जूजू ने भी खा लिया है, और जोरो फिर भी हर चीज़ स्निफ करके उसको और भी चाहिए। ही इज़ लाइक दैट, सच्चा लैब्राडोर, जिसको कितना भी खाना दो कम ही पड़ता है, वो हमेशा भूखा होता है। प्यार का भी भूखा, खाने का भी भूखा, दे आर द लैब्राडोर्स। ये पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता ये लैब्राडोर है कि नहीं है। शी नेवर बिहेव्स लाइक दैट, मतलब ऐसा नहीं था कि ये जो उसका स्पेशल फूड चालू हुआ है तब से वो ऐसी फंसी हुई है, नहीं वो बचपन से ही ऐसी फंसी है। मैगी मैगी क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, खुजली आ रही है, कल नहाने का दिन है, कल नहाएंगे, ठीक है ठीक है, अभी मैं कंघी करके देती हूँ, ठीक है। तो यार इन लोगों का हो गया है, बाहर जो बच्चे मैंने आपको दिखाए थे जो पपीज़ है, उसका तो मैंने सबसे पहले उनको खाना में दे रही थी, तो जो पपीज़ है उन सबको तो सबसे पहले मैं खाना दे देती हूँ, ताकि फिर वो अपना यू नो खेलना वेलना पॉटी हो सब हो सके। और उसकी मदर को भी मैं थोड़ी देर के लिए अंदर ले लेती हूँ, हालांकि वो प्योरली अभी अपने मदर फूड पे नहीं है, मतलब मदर मिल्क पे नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज सोशलाइजेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो जो माँ सिखा सकती है वो इस दुनिया में और कोई भी नहीं सिखा सकता। तो मैं उसको उसके लिए ले लेती हूँ, वो अपने बच्चों को जो भी सिखाना है वो सिखा लेती है, एंड देयर इंटरेक्शन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। कभी मैं आप लोगों को उसका एक अच्छा सा वीडियो निकाल के पूरा इन डेप्थ कि वो लोग क्या क्या सिखाते हैं अपने पपीज़ को, वो मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ में आपको बताती रहूंगी कि ये क्या कर रही है, ये चीज़ करने के पीछे उनका क्या मोटिव होता है, तो वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी, बट सम अनदर वीडियो। सो हाँ लेट मी वाइंड अप द थिंग्स, आई विल गेट बैक टू यू। देखो फुल ऑन मस्ती, सब कुछ चालू। आ जोरो क्या गया है, क्या चला गया, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है उधर? हाँ आओ, यू कैन नेवर फूल द डॉग। तो वहाँ पे एक बिस्किट चला गया है, बिस्किट का टुकड़ा शायद पूरा बिस्किट, वो मैं जब तक निकाल के नहीं लूँगी तब तक जोरो का दिल उधर ही अटका पड़ा रहेगा।
का चाइना था, इन लोगों का खाना, वो सब खत्म हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा रूटीन चालू होता है वो मैं किसी और से बताऊंगी। फिलहाल दिस नीडी चिकमंक्स, ये नीडी बच्चे मेरे, उनको मुझे अटेंड करने को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो इफ यू लाइक our video, stay tuned with us. इतनी प्यारे 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 मेरे बच्चे, ये शक्ति मस्तियाँ चालू हो गई है देखने के लिए। Stay with us. Yes, Zoro. Yes, Zoro. Okay, bye guys. Let me attend them. देखो मस्ती, देखो फुल ऑन मस्ती हो गई है चारों। Okay, चलो see ya, bye.